पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत की। जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी ने बजट के बारे में भी बात की, लेकिन जनसभा में लोगों की भीड़ इतनी बढ़ गई कि मोदी ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और ममता बनर्जी पर वॉर करते हुए बोले, आज की रैली का दृश्य देखकर उन्हें यह समझ आ गया है कि दीदी हिंसा पर क्यों उतर आई हैं। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में शनिवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने राष्ट्रपति को सूत की माला पहनाई। बता दें, गहलोत के राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी राष्ट्रपति के साथ यह पहली शिष्टाचार भेंट रही। केरल के डीजीपी लोकनाथ बहेरा ने 11 डिप्टी एसपी रैंक वाले अधिकारियों के डिमोशन का सुझाव दिया। उन्हें डिप्टी एसपी की बजाय सर्किल इंस्पेक्टर बनाने की मांग की। जो अधिकारी आरोपों और आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। वहीं 26 सीनियर सर्किल इंस्पेक्टर को डिप्टी एसपी के तौर पर प्रमोट किया गया। जमीन अधिग्रहण की जांच के समर्थन में शुक्रवार के बाद शनिवार को भी दिल्ली कूच करने निकले किसानों का काफिला जाम का सबब बन गया। डीएनडी फ्लाईवे के टोल प्लाजा के पास किसानों की भारी भीड़ जुटने से जहां डीएनडी बंद कर दिया गया, वहीं इसी वजह से आसपास के इलाकों में जाम भी लग गया। प्रयागराज में चल रहे कुंभ मेले में शनिवार को संगम में श्रद्धालुओं से भरी एक नाव डूब गई। हालांकि सभी को मौका रहते बचा लिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही संगम तट पर मौजूद सुरक्षाकर्मी, जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें डूबे हुए श्रद्धालुओं को बचाने की कोशिश में जुट गई। सभी खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस नाव पर 9 लोग सवार थे। केंद्र सरकार ने देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा दिया। इस संबंध में गृह मंत्रालय की अधिसूचना के बाद यह आदेश बृहस्पतिवार से प्रभावी हो गया। यूपी के बुलंदशहर में गोकशी के बाद हुई हिंसा मामले में शनिवार दोपहर एक और नामजद आरोपी ने CGM कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। कोर्ट ने आरोपी सत्येंद्र को 14 दिन की न्यायिक हिरासत भेज दिया। सत्येंद्र के जेल जाने के बाद अब कुल 38 नामजद आरोपी प्रकरण में जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं, तो वहीं अभी भी 7 नामजद और अन अज्ञात आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर है। यूपी के अलीगढ़ में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर उनके पुतले को गोली मारने और जलाने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये आरोपी पूजा शकुन पांडे के घर में छिपा हुआ है, जिसके बाद पूजा शकुन के खिलाफ अब अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कुमार आशीष ने मुकदमा दर्ज कराया। डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी है। उनकी अगली फिल्म में अक्षय कुमार लीड रोल में नजर आएंगे। फिल्म का नाम सूर्यवंशी होगा और अक्षय के किरदार का नाम वीर सूर्यवंशी। फिल्म में अक्षय एंटी टेररिस्ट स्क्वाड प्रमुख के किरदार में नजर आएंगे। रोहित शेट्टी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की, जिसमें वह अपने क्रू के साथ नजर आ रहे हैं। तस्वीर के कैप्शन में लिखा, मिशन सूर्यवंशी गोवा रूट पर। बॉलीवुड एक्टर और मशहूर कोरियोग्राफर सलमान यूसुफ खान पर उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है। उनके खिलाफ मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई। फिलहाल उन पर किस महिला ने आरोप लगाया, इसका अभी खुलासा नहीं हुआ। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दस्तक टीवी।